हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पिक्सल 5 को डाउनग्रेड करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी पिक्सल की डिवाइस को फ्लैश और डाउनग्रेड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्सल 5 है और इसका एंड्रॉयड वर्जन 13 है। तो 13 के लिए हमें सबसे पहले क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद सबसे पहले लिखना है पिक्सल फैक्ट्री इमेजेस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये इसके साथ एक्ट, आपके पास एक्ट नाउ के साथ कुछ अलाउमेंट आएगी, अलाउ कर देगा उसको। तो सबसे नीचे जाने के बाद आपको पिक्सल की में जाना है, पिक्सल 5 की में, यानी रेड पिन पे। अभी हम इसको पहले डिवाइस का डेवलपर ऑप्शन खोल लेंगे। सबसे पहले ये करना होगा, डेवलपर ऑप्शन खोलने के बाद सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शन खोलना है और OEM अनलॉकिंग जिसके पास नहीं आ रहा तो ये खोलना लाजमी होता है, वरना आपको कोई भी पीस फ्लैश या डाउनग्रेड नहीं होता। तो उसके बाद हमें करना होता है USB डिबगिंग ऑन करना है, ठीक। फिर उसके बाद केबल लगानी है, इसको अलाउ करने रहें। फिर आप एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा मिनिमल ADB, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं मिनिमल खोल लेता हूँ, इस पर लिखूँगा ADB तो हमारा ये पीस बूट लोडर पे पहुँच जाएगा, यानी पासबुक पे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप भी था और हम दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं पासवर्ड में। हम अगर वॉल्यूम पावर और वॉल्यूम डाउन पे कंटिन्यू प्रेस करके रखते हैं तो ये वो पासवर्ड पे जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आपको इस पर दिखाते हैं प्रोडक्ट विजन, इसका नाम है रेड पिन, ठीक। रेड पिन पे जाना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे आप देख सकते हैं, आप जो फाइल उठाएंगे वो इस नेम के ऊपर से इस नेम के हिसाब से उठाएंगे, जैसे रेड पिन है या किसी मोबाइल में कोरल है या फ्लेम है, आप इस हिसाब से उठाएंगे। तो हमारे पास है पिक्सल 5 यानी रेड पिन, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रेड पिन है, हमें ये लेटेस्ट मॉडल, अभी हमें 12 का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, ठीक है। लास्ट ये 13 है, ये 13 के बाद, ठीक है। हमें ये फ्लैश फाइल ये 12 के लिए, ये मैंने लिंक पे क्लिक किया है और ये हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए हम कैंसिल कर देंगे। आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है SDK प्लेटफॉर्म टूल, इसको ये भी आपने ये भी डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ, ये देखें रिलीज नोट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज, आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ कर लेना, आई हैव पे करना और डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म, ये कुछ इस तरह की फाइल होगी प्लेटफॉर्म की टूल्स के नाम से, ठीक है। अगर रेड पिन की हमारे फाइल ये है तो हम इसको पहले विजिट कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइल हमारी रिजल्ट हो चुकी है रेड पिन की, हमें इस पर ओपन कर लेना है। इसमें देखने आप देख सकते हैं बस कुछ ही फाइलें हैं, तो हमें इसके अंदर SDK प्लेटफॉर्म टेस्ट करेंगे। हमें ये प्लेटफॉर्म टूल्स खोलना है, अब रेड पिन वाले फोल्डर में जाना है, क्लोज कर दो। अब इसको सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे तो हम सारे इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, इस फाइल के अंदर मतलब विजिट कर देंगे। अच्छा, तो आप ये प्लेटफॉर्म टूल को अगर विजिट भी करके कॉपी करके भी डाल सकते हैं और इस तरह के से भी डाल सकते हैं, आप जिस तरह से आपको आसानी हो, ठीक। तो हमारी ये फाइल, ये तो थर्ड स्टेप हो गया, अब हमें इसको मिनिमल ADB खोल देना है। मिनिमल ADB खोल देना है, इस पर लिखना है पासबुक
इसमें आप देख सकते हैं डिवाइस, आपको इसमें दिख सकता है डिवाइस स्टेट लॉक में, तो हमें इसको लॉक से अनलॉक करना है। तो हमें लिखना है फास्टबूट फ्लैशिंग अनलॉक, फास्टबूट फ्लैशिंग अनलॉक जैसे ही लिखेंगे हमारे ये इस आ जाएगा, इस आएगा, फिर हम इंटर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम अप दबा के अनलॉक द बूट लोडर कर देना है। अनलॉक बूट लोडर होगा तभी हमारा फ्लैश या डाउनग्रेड हो सकता है, वरना कोई भी पिक्सल फ्लैश या डाउनग्रेड नहीं हो सकता। हम इसको वापस रख देते हैं, ये बूट में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये बूट लोडर हमारा अनलॉक है। अगर आपका पहले से अनलॉक हो चुका हुआ हुआ हो तो आप डायरेक्ट फाइल लगा सकते हैं। तो ये अनलॉक है, ठीक है। हम इसको क्रॉस करते हैं और ये देखें अभी ये, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ बैच फाइल, और अगर आपके पास लिनक्स है तो शेल स्क्रिप्ट। तो विंडोज़ बैच फाइल को हमें ओपन कर लेना है। ये हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा दूसरे फास्टबूट पे जा रहा है, ये फास्टबूट दूसरा है। तो हमें ये फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। इसमें इसको होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे या 10 मिनट भी लग सकते हैं, इसलिए हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारा फ्लैश ओके हो चुका है, यूजर डेटा फिनिश्ड हो चुका है। अभी हम किसी भी की को प्रेस करते हैं एंड इसको एग्जिट कर देते हैं। तो हम इसको पावर बटन ऑफ कर लेना है। अभी ये हमारा पिक्सल ऑन होने में ऑन हो रहा है। ऑन होने में ये थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट ले सकता है। तो हम इसको थोड़ा वीडियो को पॉज या फॉरवर्ड करते हैं। तो ये पीस हमारा ऑन हो चुका है, तो हम इसको डेटा स्टार्ट करते हैं, स्किप करना। तो ये हमारे पिक्सल डिवाइस की बैटरी होती है, ये तो बंद हो गया वापसी। तो हम ये ऑन कर देते हैं, ये हमारे ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इसकी एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूँ, पिक्सल 5, ठीक है। ये एंड्रॉयड वर्जन 12 पे आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और पिक्सल 5 वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक बटन को प्रेस कर देना है।